वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी प्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स जल्दी से क्लास में आ जाइए, फिर अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले हमने काफी सारी क्लासेस करवा दी है ट्रिक के माध्यम से, आज हमें वैसे ही एक और टॉपिक निपटाना है। और वो टॉपिक क्या है आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, चलिए देख लेते हैं। आज का जो टॉपिक है आपका वो है अकबर काल के जो चित्रित ग्रंथ है उनको आज हमें पढ़ना है, ठीक है। इनको जो कैटेगराइज किया हुआ है, किस माध्यम से किया गया है, किसके अकॉर्डिंग किया गया है और कौन सा ग्रंथ आपका अकबर के काल का है, ये सब चीज आज हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। तो क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए, फिर अपनी क्लास को हम एकदम धमाकेदार तरीके से शुरू करते हैं। चलिए बताइए, शेयर कर दीजिए क्लास को, फिर अपनी क्लास को हम बढ़ाएं आगे। और आपको बता दें ये जो क्लासें हम आपको छोटी छोटी ट्रिक के माध्यम से दे रहे हैं, इन क्लासों का रिवीजन जरूर करते रहना है, ठीक है। 2 से 3 बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, फिर हमेशा के लिए आपके छप जाएंगे, ठीक है। हमने इसीलिए प्लेलिस्ट भी बना दी है, ज्यादा लंबी क्लास नहीं होती है, छोटी सी क्लास होती है, इसलिए रिवीजन करने में भी आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए तो सभी लोगों को शेयर कर दीजिए, बुला लीजिए सभी लोगों को, और टाइम आप लोग याद कर लीजिए, रात को 9 बजे का है। और इस टाइम पर आपको वो चीज दी जाएंगी जो शायद आप लोग कंफ्यूज होते हैं जिस चीज में, और कहीं ना कहीं आप लोग पढ़े नहीं होते हैं, वही टॉपिक आपको दिए जाएंगे यहाँ 9 बजे ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। चलिए हम आज पढ़ने वाले हैं अकबर कालीन चित्रित ग्रंथ के बारे में, ठीक है। पहले तो हम आपको बता दें ये जो अकबर काल के ग्रंथ हैं, पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा ग्रंथ है जो अकबर के काल का नहीं है, या फिर अकबर के काल का चित्र इनमें से कौन सा है, या फिर बोल देगा कि कोई दे देगा ये किसके काल का चित्र है ग्रंथ है, तो आपको याद रखना होगा, ठीक है। इसके जो अकबर है इसके काल में बहुत सारे ग्रंथों को चित्रित किया गया है, उनके बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो केवल आज जो हम लोग पढ़ेंगे अकबर के ही काल का कोई एक ग्रंथ पढ़ेंगे, उसको हम अच्छे से पूरा निपटा लेंगे, और फिर लगातार 4 से 5 दिन में, लगातार 4 से 5 दिन में एक एक करके हम ये पूरे आपके जितने भी ग्रंथ हैं उनके बारे में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं एक एक वीडियो में हम आपके करवा देंगे, ठीक है। तो आज हम केवल एक ग्रंथ की बात करेंगे, पहले हम पूरा टोटल देख लेते हैं कि कौन कौन से ग्रंथ हैं जो अकबर के काल के हैं, और उसमें से एक को हम आज लोग आज पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए आ जाइए देख लेते हैं। तो क्या दिया है, अकबर कालीन चित्रित ग्रंथ, इनको 3 भागों में बांटा गया है। एक पहला अपना भारतीय, ठीक है, दूसरा भारत के बाहर का, और तीसरा ऐतिहासिक, ठीक है। ऐसे याद रखिए कि एक भारत का इतिहास, मतलब एक भारतीय चित्र मिलता है, एक भारत के बाहर का चित्र मिलता है, और एक हमें इतिहास के बारे में बताता है। इस तरह से 3 कैटेगराइज में बांटा गया है अकबर के काल के ग्रंथों को, ठीक है। बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे देना, टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड और कोई भी एनवीएस के लिए कोई भी एग्जाम दे देना, बीपीएससी हो, ठीक है, सभी एग्जाम्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है हमारी क्लास, ठीक है। चलिए देखिए समझिए, अकबर काल के जो चित्र ग्रंथ हैं उनको हमने 3 भागों में बांटा है। पहला है गैर भारतीय, या फिर कह दीजिए अभारतीय, कौन सा, पहला है अभारतीय कथाओं के चित्र, मतलब भारत से संबंधित नहीं है, भारत के अलावा बाहर से जो संबंध है वो अभारतीय चित्रों में आएंगे। दूसरा आता है भारतीय कथाओं के चित्र, जो हमारे भारत की कथा है, भारत वर्ष से संबंधित जो कथाएं मिलती हैं हमें वो हम भारतीय कथाओं के अंतर्गत रखते हैं। तीसरा कैटेगराइज किया गया है ऐतिहासिक कथाओं के चित्र, मतलब जो हमें इतिहास के बारे में बताता है वो ग्रंथ ऐतिहासिक कथाओं के उसमें रखा गया है। तो इस तरह से 3 भागों में बांटा गया है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इन्हीं 3 को बांट कर पूछ लेगा, निम्न में से कौन सा भारतीय कथाओं पर आधारित अकबर कालीन चित्रण है ग्रंथ है, तो आप लोग क्या बताएंगे, इनमें से कोई भी दे दे, रज्मनामा, रामायण, अनवर ए सुहेली, तो आपको ये याद रखने होंगे, ठीक है। अब देख लीजिए अभारतीय कथाओं के चित्र में कौन कौन से आते हैं, इसमें तूतीनामा है, हमजानामा है, खमसा, निजामी है, दीवाने हाफिज है, ये सारे जो आते हैं ये सब किसमें आते हैं ग्रंथ आपके, ये सब अभारतीय कथाओं के
अंतर्गत आते हैं और इसमें जो चित्र बने हुए हैं वो इसी के अकॉर्डिंग आते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़ जाते हैं। आगे दिया है भारतीय कथाओं पर आधारित जो ग्रंथ है जिसमें यहाँ के चित्र मिलते हैं, तो रजनीनामा हो गया, और फिर है रजनीनामा हो गया, फिर है रामायण, और फिर दिया है अनवरी सुहेली। ठीक है, हर ग्रंथ को हम एक एक करके पढ़ाएंगे, लेकिन आज केवल हम लोग हमजानामा के बारे में जानेंगे। ठीक है, हमजानामा के बारे में एक एक करके पढ़ाएंगे ना तो आपको पूरा याद हो जाएगा। अगर हम एक साथ पढ़ाएंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार इसमें ऐसा था उसमें वैसा था, इसलिए एक एक करके पढ़िए, कम टाइम में ज्यादा चीजें पढ़िए। ठीक है, और क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहना है, और नीचे कमेंट बॉक्स पे लास्ट में बताना जरूर कि आज अगर आप इस क्लास में आए हुए हैं तो आप कुछ लेकर गए कि नहीं गए, थोड़ा सा भी बेनिफिट समझ में आया कि नहीं आया, और जो हमने समझाया वो समझ में आया या फिर उड़ गया दिमाग से। ठीक है, चलिए तो हमने भारतीय कथाओं पर देख लिया, अब बात करते हैं ऐतिहासिक, मतलब इतिहास के बारे में जो हमें ग्रंथ बताते हैं, जो हमें चित्र बताते हैं वो किसमें है, तो बाबरनामा में, शाहनामा, तैमूरनामा, अकबरनामा, जमी उत्तवारी। देखिए आप लोग एक चीज याद रखिएगा, इन तीनों से क्वेश्चन बनते हैं, पूछा जाता है कौन सा ऐसा अकबरकालीन चित्रण है जो अभारतीय कथाओं पर आधारित है, अभारतीय कथाओं पर आधारित है। इनमें से दे देगा, एक ऑप्शन दे देगा शाहनामा, तैमूरनामा, अनवरी सुहेली, चौथा दे देगा हमजानामा। तो आपको याद रखना होगा ये क्वेश्चन बनता है और एक बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इस चीज को दिमाग में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहां से आपका कैटेगरी पूरी समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये तीन हो गए। अब हम बात करते हैं हमजानामा के बारे में। ठीक है, हमजानामा को देख लेते हैं। हमजानामा की ट्रिक यहाँ से स्टार्ट हो रही है, अब स्टार्ट होता है आपका टाइम अब। ठीक है, हमजानामा के बारे में एक चीज याद रखना है कि हमजानामा जो है इस पर किसका प्रभाव मिलता है, इसके चित्रों पर, हमजानामा के चित्रों पर किसका प्रभाव मिलता है, तो इस पर हमें फारस का प्रभाव मिलता है। किसका? फारसी शैली का यहाँ पर हमें चित्रों में प्रभाव मिलता है। किसमें? हमजानामा में। किसमें? हमजानामा में किसका? फारसी प्रभाव का मिलता है चित्रों में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे पूछा जाता है कि जो हमजानामा है इसमें, हमजानामा में किसके बारे में बात की हुई है, हमजानामा में किसके बारे में बात हो रही है, तो यहां पर अमीर लोगों की बात हो रही है। अमीर लोग जो होते हैं उनको हमजानामा में दिखाया गया है। ये कैसे रिलेट करेंगे आप लोग इसको समझिए। जो अमीर लोग होते हैं ना वो दिन भर ठूंसते रहते हैं, चलना फिरना उनका होता नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, जो अमीर लोग होते हैं वो चलते फिरते नहीं है, बस 24 घंटा ठूंसते रहते हैं, खाना खाते रहते हैं। ठीक है, हमारी ट्रिक है, इसका रियलिटी से कोई मतलब नहीं है, ये केवल हम ट्रिक समझाने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूरा नहीं मानना कोई भी। चलो, क्या है, हमने बताया कि जो अमीर लोग होते हैं वो 24 घंटे बस खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, ना उन्हें चलना फिरना होता है ना ही कुछ होता है। तो अमीर से याद रखना है क्या है, अमीर से याद रखना है अमीर हमजा, मतलब क्या है ये, अमीर हमजा याद रखना है। ठीक है, और 24 घंटे खाते रहते हैं, 24 घंटे मतलब 24 से याद रखना है, 2400 क्या याद रखना है, 2400 चित्र इसमें मिलते हैं। ठीक है, अमीर से याद रखना है, अमीर हमजा 2400 घंटे खाते रहते हैं, तो इससे याद रखना है 2400 चित्र इसमें मिलते हैं। ठीक है, अब 2400 घंटा जब खाओगे तो क्या कोई खाना हजम होगा? नहीं होगा ना, तो हजम से याद रखना है हमजानामा। ठीक है, तो अमीर लोग क्या करते हैं, 2400 घंटे खाते रहते हैं, और जब खाते रहेंगे पच नहीं पाएगा खाना, तो उसको क्या बोलते हैं, हजम नहीं होता है, तो हमजानामा। तो यहां से तीन चीजें आपके दिमाग में सेट हो गई, अमीर से अमीर एक क्या बोलते हैं, अमीर हमजा हो जाएगा, और जब 24 घंटा तुम खाओगे, 24 घंटे खाओगे तो हजम नहीं होगा, तो हजम से हमजानामा बन जाएगा। ठीक है, 24 घंटे खाते हो इसलिए हम आपको सलाह देंगे कि 24 घंटे मत खाइए, थोड़ा टुकड़ों में खाइए। टुकड़ों में खाइए कैसे, कि 12 घंटे में खाइए, दो पार्ट में कर लीजिए, 24 घंटे को दो पार्ट में कर लीजिए, दो खंडों में खाइए। तो आपको याद रखना है जो खंड मिलते हैं आपको, ये 12 खंड मिलते हैं, मतलब 12 घंटे में खाइए, 24 घंटे को हटाकर आधा कर दीजिए, 12 घंटे में खाइए। तो 12 खंड है इसमें, चित्र कितने हैं, 2400 हैं, और पूछा जाता है किस पर बना हुआ है, बताइए। जब आप क्या बोलते हैं, जब आप बहुत ज्यादा 2400 घंटे खाओगे तो बॉडी एकदम फूलेगी,
बिल्कुल से मोटे होगे, बहुत खाओगे पेट निकलेगा, जब आप एक्सरसाइज नहीं करोगे दिन भर बस ठूंसना है तो पेट निकलेगा। तो आप क्या करोगे, कपड़े पहनना स्टार्ट कर दोगे। कैसे? सूती कपड़े पहनना स्टार्ट कर दोगे ताकि आपको आराम मिले। तो सूती कपड़े में बना है हमजा नामा, ठीक है, याद रखना, फिर से सुनिए, अमीर हमजा। अमीर लोग क्या करते हैं, 2400 घंटे खाते रहते हैं, मतलब 2400 चित्र बने हैं इसमें। और हम क्या, जब 24 घंटे खाओगे तो पेट में हजम नहीं होगा, तो हजम से हमजानामा याद रखना है। और हम कहते हैं कि 24 घंटे मत खाओ, 12 घंटे खाओ, मतलब 12 खंडों में विभाजित है। तो इसमें खंड कितने हैं, 12 हैं, चित्र कितने हैं, 2400 है, किसमें बना है, सूती कपड़े में बना है, ठीक है। आराम के लिए क्या पहनेंगे, जब हजम नहीं होगा तो सूती कपड़े पहनेंगे, ठीक है, ये याद रखना है। अब इसके बारे में पूछा जाता है कि जो अमीर हमजा का फारसी में अनुवाद किया है वो कितने लोगों ने किया, मतलब किसने किया है, अमीर हमजा का जो फारसी में अनुवाद किया है वो किसने किया है, याद रखना है, इसको अताउल्ला काजबीनी ने किया है। किसने किया है, अताउल्ला काजबीनी ने किया है। किसने किया है, काजबीनी ने किया है, ठीक है, याद रखना है, किसने किया है, काजबीनी ने किया है, दो तीन बार बोलिए याद हो जाएगा, ठीक है। और पूछा जाता है हमजा नामा में कितनी कहानियों का वर्णन है। अब बताओ 24 घंटे तुम ठूंसोगे तो पूरे 360, वैसे तो 365 दिन होते हैं लेकिन 360 मान के चलिए, या इस तरह से याद रख लीजिए कि जब आपका खाना हजम नहीं होगा तो आप कैसे बिल्कुल गोल 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 घूमते जाओगे, बिल्कुल 360, चलो ठीक है, 360 डिग्री पूरा घूमते जाओगे ऐसे ऐसे, ठीक है, चक्कर चक्कर जैसे घूमोगे, चक्कर आने लगते हैं ना जब पेट साफ नहीं होता है, तो क्या होता है, चक्कर आने लगते हैं, तो बस वही 360 डिग्री आप लोग घूमने लगोगे, ठीक है, जब पेट साफ नहीं होगा। तो बस ऐसे याद कर लीजिए, इसमें कितनी कहानियां हैं, 360 कहानियां हैं, और इसको किसने लिखा है, अताउल्ला, किसने, काजबीनी ने लिखा है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन, मतलब अनुवाद किया है फारसी भाषा में, तो यहां से आपकी जितनी भी चीजें थी याद होगी। माप की याद रखना है, माप बहुत पूछी जाती है इसकी, तो 67 लिखा है, ठीक है, 67.5 × 50, क्या है, 67.5 × 50, ये आपकी इसकी माप है। और इसको बनाने में कितने लोगों ने भूमिका निभाई है, इसको बनाने में 50 चित्रकारों ने 50 वर्षों तक काम किया है, ठीक है, तो 50 चित्रकारों ने 50 साल तक इसमें काम किया हुआ है, तब जाकर हमजानामा कंप्लीट हुआ है चित्रण के बाद, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक, इसको सुन लीजिए फिर से, फिर आगे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि हमजानामा देखने में 4-5 शब्दों का है, 4-5 अक्षरों का है, लेकिन जब पढ़ते हैं ना तो बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती है, ठीक है, चलिए देख लेते हैं फिर से। हमजानामा किसका प्रभाव है, फारसी का प्रभाव है, फारसी शैली का प्रभाव है, या दे ईरानी शैली का प्रभाव है, तो दोनों ही आपको याद रखना है इसके चित्रों पे, ठीक है। बात करेंगे इसका फारसी में अनुवाद क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, सॉरी, इसका जो फारसी में अनुवाद किया है वो किसने किया है, तो अमीर हमजा ने किया है, 360 कहानियां हैं इसमें, और अनुवाद किसने किया है, तो ये अताउल्ला काजबीनी ने किया हुआ है। और इसमें टोटल चित्र कितने हैं, 2400 चित्र हैं, और कितने खंडों में बटा है, 12 खंडों में। जितने बार रिवाइज करवा रहे हैं सुनते जाना, स्किप नहीं करना है, ठीक है, जितने बार सुनोगे उतने बार याद हो जाएगा। तो खंड कितने हैं, 12 हैं, चित्र कितने हैं, 2400 हैं, इसमें बना है, सूती कपड़े में बना है, माप क्या है, 67.5 × 50 इसकी माप है, और इसको कितने चित्रकारों ने बनाया है, इसमें चित्रण हुआ है, तो 50 चित्रकारों ने 50 सालों में इसको पूरा कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो यहां तक की कहानी पूरी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, आगे चलते हैं। तो दिया हुआ है 150 चित्र, देखिए टोटल हमें कितने मिलते हैं, 2400 चित्र मिलते हैं इसमें, ठीक है, 2400 में मात्र 150 चित्र हैं जो अभी प्रेजेंट टाइम पे बचे हुए हैं, ठीक है, प्रेजेंट टाइम पे 150 चित्र हैं जो केवल बचे हुए हैं। उनमें भी जो कुछ हैं बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं कि इतने चित्र कहाँ पर हैं, इतने चित्र कहाँ पर रखे गए हैं, किसका संग्रह कहाँ पर किया गया है, ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इसको याद रखना है, ठीक है, चलिए देख लेते हैं।
तो 150 चक्र जो उपलब्ध मिलते हैं वो क्या बात हो रही है यहाँ समझिएगा। जो गुलूक है ना, इन्होंने 1925 में वीना में इनको छपवाए थे। देखिए टोटल आपके 2400 चित्र हैं, ये हमने बार बार पढ़ा हुआ है। अब 2400 में जो मात्र हमें उपलब्ध मिले हुए हैं, 150 मिले हुए हैं। किसको मिले हुए हैं? गुलूक महोदय को मिले। किसको? गुल्लू महोदय को। ठीक है, गुल्लू याद रख लीजिए आप लोग। ठीक है, गुल्लू नाम का एक लड़का था, उसको 150 चित्र मिल जाते हैं। तो वो क्या करता है कि यार मैं तो इसको जानता नहीं हूँ, ये चित्र मिल गए हैं, चलो दे आते हैं। तो वीना के संग्रहालय में क्या करते हैं, वीना में इसको छपवाते हैं। इसको जो छपवाया जाता है 150 चित्र जो थे, इसका प्रकाशन जो होता है वो कहाँ पर होता है? वीना में होता है। किसके द्वारा? गुल्लू के द्वारा। कब की बात है ये? 1925 की बात हो रही है। ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं। आगे दिया गया है, अब यहाँ से आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बहुत पूछा जाने वाला। अभी तक जो पढ़ा वो तो था ही इम्पोर्टेंट, अब यहाँ से ये चीज बहुत पूछी जाती है, क्योंकि ये लोग ये जो चीजें लिखी है ना, ये बहुत कम लोग पढ़ते हैं, इसलिए आपको जो फोकस रखना है वो इन चीजों पर रखना है, क्योंकि ये चीजें बहुत कम लोग पढ़ते हैं। मेन मेन तो सब लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन कंपटीशन बनता है इधर से, समझिएगा। पूछा जाएगा हमजा नामा की 61 चित्र जो हैं वो कहाँ रखे गए हैं। डायरेक्ट संख्या देता है कि 61 चित्र कहाँ रखे गए हैं, तो आपको याद रखना है ये रखे गए हैं वीना संग्रहालय में। कहाँ पर? वीना में रखे गए हैं। फिर पूछेगा हमजा नामा के 25 चित्र कहाँ रखे गए हैं, तो 25 चित्र रखे गए हैं लंदन में। कहाँ पर? लंदन में रखे गए हैं। फिर याद रखिएगा, पूछेगा 15 चित्र कहाँ रखे गए हैं, तो अमेरिका में। संख्या देकर पूछता है। कैसे पूछता है? संख्या देकर, जैसे हम एग्जाम्पल बोलते हैं। पूछेगा हमजा नामा के 61 चित्र कौन से संग्रहालय में रखे हैं, चार ऑप्शन दे देगा, तो आपको लगाना होगा कहाँ? वीना संग्रहालय में। ठीक है, अगर उसने बोल दिया कि 25 चित्र कौन से संग्रहालय में है, तो आपको लगाना होगा कहाँ पर है? लंदन में है। ठीक है, तो यहां तक हो गया, 15 अमेरिका में है। अब पूछा जाता है, अब ये तो भारत के बाहर की बात है, पूछा क्या जाता है कि अपने ही भारत में, अपने ही भारत में कितने चित्र हमजा नामा के मिलते हैं? तो टोटल 6 चित्र मिलते हैं जो आपके हमजा नामा के मिलते हैं। ठीक है, अब 6 चित्र कौन कौन से हैं समझ लीजिएगा। तो ये मिलते हैं 2:1 के अनुपात में मिलते हैं। कैसे? देखिए 2:2:1:1 ऐसे करके मिलते हैं, मतलब कितने हो गए टोटल? 6 हो गए, 2:2:4:2:6। ठीक है, 2:1 के अनुपात में। दो जो मिलते हैं वो वाराणसी में भी मिलते हैं और मुंबई में मिलते हैं। ठीक है, दो चित्र हमें वाराणसी में प्लस मुंबई में। ठीक है, बम याद रख लीजिए, बम में दो चित्र मिलते हैं, बा से हो गया वाराणसी, दो से मा से हो गया मुंबई। ठीक है, बम में दो चित्र मिलते हैं हमजा नामा के, आपको याद रखना है, जो अपने भारत में है। ठीक है, आगे इसकी बात करते हैं। अब एक एक चित्र जो मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं? तो हब में एक चित्र मिलते हैं। ठीक है, हब में एक चित्र, हा से हैदराबाद, बा से क्या हो जाएगा? बा से बड़ौदा हो जाएगा। तो हब में एक चित्र मिलता है, बम में दो चित्र मिलते हैं। बम में कौन कौन से? बा से वाराणसी और मा से मुंबई, और हब में हा से हैदराबाद और बा से बड़ौदा। ठीक है, याद रखते हैं, इसमें एक एक मिलते हैं। ये बहुत पूछा जाता है इसलिए बता रहे हैं। ठीक है, आप लोग केवल 61 वाला याद रख लेते हैं, बाकी भी आपको याद रखना है। हो सकता है 61 वाला आपसे पूछ लिया गया है एग्जाम में, तो अब हो सकता है कि 25 पूछ ले, या फिर अपने भारत की पूछ ले कि भारत में कहाँ कहाँ से मिलते हैं, या फिर निम्न में से कहाँ से नहीं मिले हैं, ऐसे करके दे सकता है। ठीक है, तो यहां तक कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं जो हमजा नामा है उसमें कौन कौन सा चित्र बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, चित्रों की बात कर लेते हैं। चलिए अब देखिए, जब आप हमजा नामा, हम ट्रिक बताते हैं आपको इनके चित्रों की। ठीक है, तीन चित्र हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है, समझिएगा। अब जब आप 2400 घंटा ठूसोगे खाना तो हजम तो होगा नहीं, है ना? तो आपको क्या सलाह दी जाती है कि आप जितना ज्यादा हो सके वर्क करिए। तो आप क्या करते हैं कि आपके गांव में एक कुआं बना हुआ है, तो आप कहते हैं कि हमारे पास कुछ है तो नहीं, कुछ भी एक्सरसाइज करने के लिए है नहीं, तो हम क्या करते हैं, कुएं में, कुएं तक बाल्टी लेकर जाते हैं और कुएं से पानी भरते हैं, खींचते हैं और फिर घर ले आते हैं। ये हमारी सबसे बेस्ट एक्सरसाइज हो जाएगी। ठीक है, तो सभी लोग बोलते हैं हाँ, आज से जो पूरा गांव है वो क्या करेगा, एक्सरसाइज करने चला करेगा। कहाँ? कुएं में। तो कुएं से याद रखना है, दो 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 चित्र निकल आएंगे इससे, एक हो जाएगा गांव का कुआं, दूसरा हो जाएगा गांव के कुएं पर स्त्रियां, गांव का कुआं और गांव के कुएं में स्त्रियां। ठीक है, याद रखना है। और हीरा काटने की मशीन, जब आप हीरा को भी कटिंग करेंगे तो ये
ये जो हाथ के एक्सप्रेशन होंगे ये भी एक तरह की एक्सरसाइज होगी। तो ये भी आपको याद रखना है, हीरा काटने की मशीन। ठीक है, आप लोग लगातार जो आपके कलाकारों के चित्र थे पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा ऊब रहे थे, इसलिए हमने टॉपिक चेंज किया हुआ है बीच में। ठीक है, वरना हम इकट्ठा सारे चित्र अगर करवाते तो आप लोग बहुत ज्यादा बोरियत हो जाती और पढ़ नहीं पाते, इसलिए हमने बीच में थोड़ा सा टॉपिक चेंज किया हुआ है। अभी 4-5 दिन आपके ये जितने भी ग्रंथ है ये दिए हुए हैं ना, इनके चित्रों को और इनके बारे में जो जो फैक्ट बनते हैं उनको करवा दिए जाएंगे पूरे, फिर आपके फिर से वापस से आपके कलाकारों के जो चित्र हैं ट्रिक के माध्यम से पढ़ाना शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो चित्र हमने कौन कौन से देखे, गांव का कुआं और गांव में कुएं में स्त्रियां, ये देख लिया। ठीक है, और तीसरा है हीरा काटने की मशीन, ये भी हो गया आपका। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए हमजा नामा के बारे में 2-3 इंपॉर्टेंट कोटेशन है जो बहुत पूछे जाते हैं। एक कोटेशन पूछा जाता है, सबसे पहले आप ये याद रखिएगा, जो हमजा नामा है ना ये अकबर के काल की पहली चित्रित पांडुलिपि है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, अकबर के काल की पहली पांडुलिपि जो चित्रित है वो कौन सी है, ग्रंथ कौन सा है, तो याद रखना है ये है आपका हमजा नामा। ठीक है, एक कोटेशन पूछा जाता है कि जो हमजा नामा है ये पूर्णतः अकबर के मस्तिष्क की उपज थी। पूछा जाता है कि जो हमजा नामा है ये पूर्णतः अकबर के दिमाग की उपज है, ये कोटेशन किसने कहा है, तो आपको याद रखना है ये जो कोटेशन कहा है ये अताउल्लाह काजवीनी ने कहा। ये अताउल्लाह काजवीनी कौन है, अभी अभी हमने थोड़ा देर पहले ही पढ़ा है, तो ये कौन है, ये अमीर हमजा का जो फारसी में अनुवाद किया हुआ है हमजा नामा के नाम से, वो यही है अताउल्लाह काजवीनी। ठीक है, चलिए अब आते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो ये पूर्णतः अकबर के मस्तिष्क की उपज है, ये कहा है अताउल्लाह काजवीनी ने कहा है। आगे एक क्वेश्चन और बनता है आपसे, क्या बनता है कि पूर्णतः अकबर के समय में चित्रित हुआ ग्रंथ कौन सा है जो केवल अकबर के ही टाइम पे पूरा कंप्लीट हो गया था, बताइए कौन सा है, तो वो याद रखना है आपको, यही हमजा नामा है। और ये कहा है किसने, राय कृष्णदास ने। इन्होंने क्या कहा है कि जो हमजा नामा है ये पूर्णतः अकबर के ही काल में पूर्णतः चित्रित है, ये कहा है राय कृष्णदास ने। और मस्तिष्क की उपज किसने कहा है, छापो जल्दी से। ठीक है, आगे चलते हैं। विशेषता की बात देखिए, जितने हम फैक्ट बताते जा रहे हैं ना, आप लोग कमेंट बॉक्स पे लिखते जाया करो, जितने फैक्ट हम बताएंगे पूरा आपको लिखते जाना है, ताकि आपका बहुत अच्छे से बिल्कुल एक्टिविटी साथ में होगी ना, बहुत मजा आएगा, बहुत जल्दी याद भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं, विशेषता की बात करें। अब देखिए हमजा नामा की जो विशेषता है वो क्या है, इस पर हमें फारसी प्रभाव पड़ता है, ये हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया है, या ईरानी शैली का प्रभाव पड़ता है, ये हमने भी पहले देख लिया है, तो वही चीज लिखी हुई है, ईरानी प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, और ये जो हमजा नामा है इसमें कुछ भी मतलब कलाकारी नहीं की गई है, ऐसी कलाकारी नहीं की गई है कि सजावट की गई हो या कुछ भी दिखाया गया हो। ठीक है, इसमें केवल घटनाओं पर आधारित चित्र ही मिलते हैं, किस पर आधारित, घटनाओं पर आधारित चित्र ही यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें एक चश्मे चेहरे मिलते हैं, एक चश्मे मतलब केवल एक ही आंख दिख रही हो। ठीक है, एक चश्मे चेहरे दिखते हैं, किसमें, हमजा नामा की बात हो रही है। आगे चलते हैं, चमकदार रंगों का यहाँ पर प्रयोग होता है, किसमें, हमजा नामा की बात हो रही है, भूलना नहीं है। यहाँ पर क्या देखा हमने, ईरानी और फारसी शैली का प्रभाव देखने को मिलता है, घटना पर आधारित चित्र मिलते हैं, और क्या है, एक चश्मे चेहरे मिलते हैं, और क्या है, चटकदार रंगों का यूज होता है, और फिर है हाथियों का चित्रण भारतीय ढंग से किया गया है, किसका, हाथियों का चित्रण भारतीय ढंग से हमजा नामा में किया गया है। तो ये थी हमजा नामा के बारे में बातचीत। आप लोग जो हमजा नामा पढ़ते हैं ना वो क्या पढ़ते हैं, हम बताते हैं, आप लोग केवल इतना पढ़ते हैं कि इस पर जो खंड है 12 है, चित्र है 2400 है, 360 कहानियां हैं, और ये किसका मतलब अनुवाद है, तो अमीर हमजा का अनुवाद है, बस केवल इतना ही पढ़ते हैं। इससे ज्यादा ज्यादा से ज्यादा माप भी देख लेते हैं, यसूती कपड़ा ये देख लेते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं आप लोग देखते हैं। ठीक है, तो आपको जो एक्चुअल पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो आज आप लोगों को पता चल गया होगा। ऐसे ही आपके जितने भी ये ग्रंथ है इनको पढ़ना पड़ेगा, बिना इनके पढ़े नहीं हो पाना है, क्योंकि अब जो पेपर बनेगा उसमें बिल्कुल हलवा चीजें नहीं आएंगी कि बिल्कुल ऊपर ऊपर का तैरता हुआ मिल जाए आपको, थोड़ा गहराई में जाना पड़ेगा, और गहराई में पढ़ना है तो ये सब चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, आपको जितना भी पढ़ा दिया जाएगा ना बिल्कुल एकदम सिलेक्टेड होगा, और जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा आपको वहीं से क्वेश्चन सेम टू सेम मिल जाएगा। ठीक है,
तो एक बार फिर से देख लें, रिवीजन करना है। चलिए ठीक है, देख लीजिए एक बार फिर से बोलने में क्या है, सुन लीजिए। हमजा नामा की यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अकबरकालीन चित्र ग्रंथों को हमने तीन भागों में बांटा, पहला अभारतीय कथाओं के चित्र, दूसरा भारतीय कथाओं के चित्र, तीसरा ऐतिहासिक कथाओं के। अभारतीय में हमने देखा है तूतीनामा, हमजानामा, हमसा निजामी, दीवाने हाफिज। फिर हमने भारतीय कथाओं में देखा रजमनामा, रामायण, अनवर सुहेली। ऐतिहासिक कथाओं में देखा बाबरनामा, शाहनामा, तैमूरनामा, अकबरनामा, जमीयत-उत-तवारीख, ठीक है। तो ये सब हमने देख लिए। अब हमने स्टार्ट किया हमजानामा से। आज हमने क्या स्टार्ट किया है, हमजानामा को देखा है, फिर हम कल दूसरा कोई उठा लेंगे, ठीक है। तो हमजानामा हमने क्या देखा कि ये फारसी शैली का इसमें प्रभाव मिलता है इसके चित्रों पे, ठीक है। और अमीर हमजा का जो फारसी में अनुवाद है वो क्या है, हमजानामा है। और किसने किया हुआ है, ये अताउल्ला काजबीनी ने किया हुआ है। और इसमें टोटल 360 कहानियां मिलती हैं और खंड है 12, चित्र है 2400 और सूती कपड़े पर बना हुआ है। माप है 67.5 गुणे 50। और कितने लोगों ने इसको कंप्लीट किया है, तो 50 चित्रकारों ने 50 सालों में इसको किया है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। दिया है 150 चित्र इसमें उपलब्ध होते हैं और गुलूग ने 1925 में वीना में इसको छपवाया था, इस बात को, ठीक है। आगे 61 चित्र वीना में रखे गए हैं, 25 चित्र लंदन में हैं और 15 है अमेरिका में, और भारत में टोटल 6 है। कहां कहां, बम में 2 चित्र हैं, बासे वाराणसी हो जाएगा, मां से मुंबई हो जाएगा, ठीक है। और हब में 1-1 चित्र है, हैदराबाद और बड़ौदा, ठीक है, याद रखना। चलिए अब चित्र की बात करें, तो चित्रों में क्या है, गांव का कुआं, गांव के कुएं पर स्त्रियां, हीरा काटने की मशीन। फिर बात करते हैं हमजानामा की। अब हमजानामा की बात करें तो ये जो है ये अकबर काल की पहली चित्रित पांडुलिपि है, और इसके बारे में कोटेशन है कि पूर्णतः अकबर के मस्तिष्क की उपज। इसको किसने कहा है हमजानामा को, ये कहा है अताउल्ला काजबीनी ने, और पूर्णतः अकबर के ही समय चित्रित हुई है। ये किसने कहा है, रायकृष्ण दास ने कहा है। और फिर विशेषता देखें तो ईरानी प्रभाव मिलता है, घटना चित्र मिलते हैं, एक चश्म चेहरे मिलते हैं, चमकदार रंगों का प्रयोग और हाथियों का चित्रण भारतीय ढंग से, ठीक है। तो इस तरह से आपका पूरा आज का विवरण आपके सामने प्रस्तुत है। और देखिए क्लास पसंद आए नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में बता देना इसके आगे जो ग्रंथ पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, ये भी बता देना, ठीक है। आप लोगों की अगर रिप्लाई अच्छी आएगी कि हाँ मैम पढ़ना है, तो हम करवा देंगे, ठीक है। अगर आपको ये चीज पसंद ना आ रही हो, जैसे हमजानामा में इतने सारे फैक्ट जो हमने पढ़ाए हैं, अगर आपको नहीं पढ़ने हैं तो वो भी बता देना, तो हम नहीं करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम आपका भी बहुमूल्य है, हमारा तो है, ठीक है। तो आज हमने हमजानामा देखा है, कल हम कोई रजमनामा या रामायण, अनवर सुहेली कोई भी उठा लेंगे, ठीक है। कमेंट में बताना जरूर है मजा आया कि नहीं आया, ठीक है। हाँ दिल उड़ा दीजिए सभी लोग एक बार दिल उड़ा दीजिएगा, पसंद आई हो तो, ठीक है। चलिए तो फिर कमेंट में बता देना, स्क्रीनशॉट लेना हो तो फटाफट से खींच लो। चलो